लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियों के दल भी सड़कों पर दिखने लगे हैं। युवा कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। गैस हो या पेट्रोल, सबके दाम आसमान पर है और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। धर्मशाला में युवा कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस का कहना है कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। युवा कांग्रेस ने कहा कि यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले कई वादे किए थे, लेकिन उसके बाद वे अपने वादों को भूल गई है, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। देख रहे हैं सिलेंडर 1035 रुपए हो गया है, पूर्व में यूपीए सरकार में वो 400 रुपए था। सब्सिडी की बात करते हैं, आदमी को सब्सिडी भी नहीं आ रही है। 15-15 लाख रुपए देने की बात की थी, वो किसी के 15 पैसे भी नहीं आए। 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां बोली, वो तो मेरे को लगता है 2 बंदों को नौकरियां भी नहीं मिली हैं। उसके बाद आप सांसद जी को देख लो, 5 साल हो गए उनके दर्शन ही नहीं होते हैं। उनको तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सांसद जी, आप ऐसा एक काम करो, कुर्सी छोड़ो और आराम करो, अब आपका टाइम नहीं है। और अब दूसरी बात ये कि जो भी कार्यकाल, जो भी काम हो रहा है, वो पूर्व में रही केंद्र सरकार में यूपीए सरकार और राजा वीरभद्र सिंह की सरकार की देन है। धर्मशाला में जो भी विकास हुआ है वो राजा वीरभद्र सिंह की देन है, वो पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा जी की देन है। मनाली में भी युवा कांग्रेस ने सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान युवा कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को एक ज्ञापन भी भेजा। प्रदेश यूथ कांग्रेस के महासचिव व मनाली विधानसभा से यूथ प्रभारी विवेक कुमार ने कहा कि सरकार अपने चुनावी वादों को ध्यान में रखकर काम करे। केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने गरीब लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। देश के अंदर चाहे वो केंद्र की सरकार है और हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, दोनों ही सरकारें जो भाजपा की हैं, आपको ज्ञात होगा कि जिस तरह से जो 4.5 साल पहले भाजपा की सरकार ने जो वायदे किए थे, केंद्र की सरकार ने जो वायदे किए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम कर देंगे और रोज़मर्रा की जो महंगाई है उसके ऊपर लगाम लगाएंगे और कितने ही जो रोज़गार हैं वो युवाओं को उपलब्ध कराएंगे, इस तरह की जो लोक लुभावने वायदे करके जो सरकार आई थी, मेरे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के समय में जब 4.5 वर्ष का जो कार्यकाल बीत चुका है, फिर भी जो है इस सरकार के द्वारा 10% भी जो है वायदे हैं वो पूरे नहीं किए गए हैं। इसके ऊपर युवा कांग्रेस विरोध कर रही है और उनको बताना चाह रही है कि आने वाले समय में जो है, जो आपने जो वायदे किए थे और आने वाले समय में आप दोबारा जो वायदे करोगे उसका युवा कांग्रेस को पूर्णतः ज्ञात है कि आपने जो है किस तरह से झूठ बोला है। यही बात जो है जनता के बीच हम आज बताना चाहते हैं और राष्ट्रपति महोदय को जो है ज्ञापन सौंपना चाहते हैं कि जो झूठे वायदे जो उन्होंने किए थे उनको पूरा न करने के ऊपर जो है युवा कांग्रेस आज रोज प्रदर्शन कर रही है। वहीं सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भी युवा कांग्रेस ने एक विरोध रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय सोलंकी ने कहा कि केंद्र सरकार का ये कार्यकाल बेहद निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से लोग तंग आ चुके हैं। देश में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की ही सरकार चल रही है। भाजपा ने लोगों को छल कर सत्ता पाई है। युवा कांग्रेस का कहना है कि जब तक रसोई गैस की बड़ी कीमतें कम नहीं होती, तब तक प्रदेश भर में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन जारी रहेंगे। इतने विरोध के बावजूद भी केंद्र सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। हर रोज सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, हर रोज वो मनमाने जो फैसले केंद्र में बैठी सरकार है ली जा रही है। और केंद्र में बैठी जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दो आदमी की सरकार जो है इस देश में चल रही है। रोज भाजपा के नेता, सांसद और इनके जो पदाधिकारी हैं, हर रोज बयानबाजी कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम मांग करते हैं कि इस चीज पे लगाम लगाया जाए, अन्यथा हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। आज ये जो हमारा प्रदर्शन है
हमने युवा कांग्रेस के आह्वान पे मैं भी इनके साथ शामिल हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का हूँ, और मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आने वाले समय में हर घर पे दस्तक दे, क्योंकि सड़कों पे हम नारे लगा के हम ये इनके कान पे जू नहीं रेखनी, लेकिन जो है हम 2019 के चुनाव में इनको अपनी असलियत बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।